नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रिक एग्जाम। दोस्तों 10वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट्स, साथ में दोस्तों जो नॉर्मल ग्रेजुएशन बीएससी वाले हैं और पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आईसीएआर की भर्ती आपकी आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ऑल इंडिया टोटल 337 पोस्ट हैं। आपको दोस्तों देखने में संख्या कम भले लग रही होगी, बट दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे वैकेंसी मानी जा रही है। दोस्तों इनका फॉर्म फिलअप होना आपका स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जाकर अपना फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। लास्ट डेट की हम बात कर लें तो 14/5/2021 है। और दोस्तों अगर हम पूरी नोटिफिकेशन की बात कर लें तो वो भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसी आई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2021 है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का यहाँ पे वैकेंसी है। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी ग्रेड दी गई है, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट ई, टेक्निकल असिस्टेंट ई, साइंटिफिक ऑफिसर डी, टेक्निकल ऑफिसर सी, टेक्नीशियन ग्रेड बी की है आपके, स्टोनोग्राफर की भी है, यूडीसी की भी है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट की भी है। साथ में दोस्तों अगर हम टेक्निकल वालों के लिए बात करें, आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए स्पेशल यहाँ पे ट्रेनिंग की वैकेंसी दी गई है, जिसमें दोस्तों पहले 2 साल आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। इसके बाद आपके परफॉर्मेंस अगर आप एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो आपको अच्छी सैलरी पे ऑन रोल यहाँ पे रख लिया जाएगा परमानेंट एम्प्लॉय की तरह। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। वैकेंसी भी इस जो आईटीआई और डिप्लोमा वाले पोस्ट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। डिप्लोमा में आपके टोटल 68 वैकेंसी है, वहीं आईटीआई की हम बात कर लें तो 171 मतलब 171 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हर पोस्ट के लिए डिटेल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो दी गई है, और एज क्राइटेरिया भी देख लीजिए, क्योंकि एज में थोड़ा सा यहाँ पे कम दिया गया है, तो उस चीज़ को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों की एज क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं दोस्तों इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 से 300 रुपये तक है, और कुछ दोस्तों कैटेगरी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो दोस्तों आप लोग जाके इसको फिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, रेपुटेड वैकेंसी है। यहाँ पे आपको जॉब मिलने के बाद आपकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों ये रही आज की जो नोटिफिकेशन वैकेंसी आई थी उसका अपडेट। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय।